गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट के गद्य का विकास पढ़ेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं गद्य की विधाओं का विकास क्रम क्या है। गद्य का अर्थ। गद्य आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। गद्य का अर्थ है किसी बात को कहना या बोलना, अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। और विधा का अर्थ है प्रकार। इस प्रकार गद्य विधा का अर्थ किसी बात को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विभिन्न प्रकारों के कहने से है। गद्य साहित्य ऐसी रचनाओं को कहते हैं जो तारतम्यपूर्ण तथा विचारपूर्ण वाक्य के रूप में लिखी जाती है। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब गद्य की विशेषताएं। गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है। गद्य का संबंध बोलचाल से और किसी रूप से व्यक्त कर सकते हैं। गद्य भाषा का व्यवस्थित और अनुशासित रूप है। गद्य मस्तिष्क की भाषा है। गद्य में हमारे बौद्धिक और चिंतनशील मनोस्थिति को सुगमता पूर्वक हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो गद्य की गौण विधाएं और प्रमुख विधाएं हैं। प्रमुख विधाओं में हम नाटक देखते हैं। तो गद्य की प्रमुख विधा है नाटक। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसे रंगमंच पर अभिनीत भी किया जा सकता है। बच्चों, आपने काव्य पढ़ा होगा। काव्य के प्रकार दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। तो नाटक दृश्य काव्य का ही एक उदाहरण है और ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक की परिभाषाएं देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। नट कहते हैं विद्या के प्रभाव से अपने एवं किसी वस्तु के स्वरूप में बदलाव या स्वयं दृष्टि रोचन के अर्थ में बदलाव। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है। इससे रूपक मात्र को ही नाटक कहते हैं। बाबू गुलाब राय जी के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के द्वारा चलते फिरते रूप में अंकित किया जाता है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सके। नाटकों का भी कुछ विकास क्रम है, देखते हैं। हिंदी नाटकों का विकास वास्तव में आधुनिक काल में भारतेंदु युग में हुआ था। और हिंदी नाटक को भी चार भागों में बांटते हैं। पहला है भारतेंदु युगीन नाटक। इसका समय रहा 1850 से 1900 ईस्वी तक। फिर है द्विवेदी युगीन नाटक 1901 से 1920 तक। प्रसाद युगीन नाटक 1921 से 1936 तक। और प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1937 से वर्तमान तक या आज तक। अब प्रमुख विधाओं में है दूसरी विधा एकांकी। एकांकी गद्य की लोकप्रिय विधा है। एकांकी का एक अंग नाटक होता है। यह विधा अपने लघु कलेवर द्वारा मानव को ज्ञान पिपासा और मनोरंजन की भूख शांत करने का साधन है। परिभाषा। एकांकी में एक ही घटना होती है। वह नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचार करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई गौण प्रसंग नहीं रहता। पात्र सीमित होते हैं, कथा वस्तु भी स्पष्ट और कौतूहल से युक्त रहती है। इसमें विस्तार के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। हिंदी में
एकांकी विधा का सूत्रपात भारतेंदु युग से हुआ है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट एकांकी को प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। रेडियो रूपक के रूप में एकांकी को नवीन दिशा प्राप्त हुई है। एकांकी का उद्भव और इसका विकास। हिंदी एकांकी का मूल स्रोत संस्कृत नाटकों में एक अंक वाले व्यायोग, प्रहसन, वीथि, गोष्ठी, नाटिका आदि भारतीय एकांकी पर पाश्चात्य परंपरा का प्रभाव विद्यमान दृष्टिगोचर होता है। एकांकी की आत्मा भारतीय है और उसका कलेवर पाश्चात्य। आधुनिक एकांकी संस्कृत और पाश्चात्य एकांकी के मध्य दोनों में कुछ प्रभाव से युक्त है। हिंदी एकांकी का विकास क्रम भी चार चरणों में है। पहला भारतेंदु युग द्विवेदी युगी 1875 से 1928 तक। दूसरा प्रसाद युग 1929 से 1937 तक। प्रसादोत्तर युग 1938 से 1947 तक। चौथा है स्वातंत्रोत्तर युग 1948 से अब तक। अब देखते हैं बच्चों, नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। नाटक और एकांकी दोनों दृश्य काव्य हैं। दोनों में अभिनेता का गुण भी विद्यमान है। फिर भी दोनों की संरचना प्रक्रिया में कुछ मौलिक अंतर है जो इस प्रकार है। नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं, किंतु एकांकी में जैसा नाम से है एकांकी मतलब एक अंक, तो एकांकी में एक अंक होता है। दूसरा, नाटक में आधिकारिक कथा के साथ साथ सहायक और छोटी छोटी गौण कथाएं भी होती हैं, और एकांकी में सिर्फ एक ही घटना और एक ही कथा होती है। नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दर्शाया गया है। एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन इस रूप में होता है कि एकांकी होते हुए भी उसके व्यक्तित्व का समूचा बिंब मिल जाए। नाटक में कथानक के विकास की प्रक्रिया मंद होती है, धीरे धीरे होती है, और एकांकी में कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से होता है। फिर पांचवा, नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार होता है और एकांकी के कथानक में ही घनत्व रहता है। ये बच्चों, परीक्षा में 2 नंबर या 3 नंबर में का प्रश्न आता है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, तो आप लोग इसको, मैं उम्मीद करती हूँ, अच्छे से पढ़ोगे। अब तीसरी विधा है उपन्यास। उपन्यास शब्द उप उपसर्ग और न्यास शब्द के योग से बना है, जिसका अर्थ है अपने समीप रखना, अर्थात वह वस्तु या कृति जिसे पढ़कर यह प्रतीत हो कि वह उसी का है, उसी के जीवन की कथा उसी की भाषा में कही गई है। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। परिभाषा, प्रेमचंद जी के अनुसार मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। दूसरी परिभाषा, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, युग की गतिशीलता पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उपन्यास वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास के तत्व होते हैं, 6 तत्व हैं, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, और 6वां है उद्देश्य। उपन्यास के कथानक के भी प्रकार होते हैं कि पौराणिक है, सामाजिक, आंचलिक, तिलिस्मी आदि। प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास द्वारा रचित
लाला श्री निवास द्वारा रचित प्रथम गुरु उपन्यास प्रथम उपन्यास है। उपन्यास लेखन में प्रेमचंद जी का योगदान अविस्मरणीय है, इसी कारण उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी उपन्यास का विकास क्रम देखते हैं तो हिंदी उपन्यास को भी चार युगों में विभक्त किया गया है। पहला है भारतेंदु युग 1875 से 1900 तक। दूसरा है द्विवेदी युग 1901 से 1918 तक। तीसरा प्रेमचंद युग 1919 से 1936 तक। चौथा है प्रेमचंदोत्तर युग 1937 से अद्यतन आज तक। अब चौथी विधा है कहानी। बच्चों कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी बचपन में, आइए देखते हैं कहानी क्या है। कहानी मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं और जिसमें किसी एक पक्ष की अनिवार्यता नहीं। कहानी जीवन के सुंदर तथा महत्वपूर्ण क्षणों को प्रस्तुत करती है जिसे सुनकर श्रोता अभिभूत हो जाते हैं। परिभाषा देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, नदी जैसे जल स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। हटसन ने, कहानी में चरित्र व्यक्त होता है। गुलाब राय जी ने कहा है, कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना को या घटनाओं के आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। प्रेमचंद जी ने कहा है, कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मानव जीवन को चित्रित करना नहीं अपितु उसके चरित्र का अंग दिखाना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी वह लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरल और सरस सजीव चित्रण होता है। कहानी उद्भव के भी विकास है। हिंदी कहानी का लिखित रूप हमें 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में दिखाई देता है। सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित इंदुमती नामक कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। कहानी का विकास क्रम, पहला है भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग 1880 से 1917 तक। दूसरा है प्रेमचंद युग 1918 से 1937 तक। तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग 1938 से आज तक। अब है कहानी और उपन्यास में अंतर। उपन्यास में जीवन और जगत का विस्तृत वर्णन होता है, कहानी में संक्षिप्त चित्रण होता है। उपन्यास का आकार बड़ा होता है, कहानी का आकार संक्षिप्त होता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है तो कहानी में जीवन की एक घटना भावना भाग का चित्रण होता है। उपन्यास एक उद्यान है किंतु कहानी उसमें विकसित फूलों का एक गुलदस्ता है। अब पांचवी विधा है निबंध। निबंध गद्य लेखन की उत्कृष्ट विधा है। निबंध शब्द निधन बंध शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ अच्छी तरह बंधी हुई रचना है। निबंध अपने आधुनिक रूप का पर्याय है। अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ प्रयत्न प्रयोग अथवा परीक्षण से है। तात्पर्य यह है कि किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। निबंध की परिभाषा, निबंध गद्य की सर्वोत्तम विधा है। यह इस उक्ति का विस्तार कर आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन
यह प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और सजीवता तथा आवश्यक संगति और समय संबद्धता के साथ किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के अनुसार निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से है, जिनमें लेखक अपने आप को प्रकट करता है, विषय को नहीं। विषय तो केवल बहाना मात्र होता है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि निबंध वह रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित तर्कसंगत विचार परस्पर आपस में गुथे हुए हैं। निबंध के तत्व, निबंध के प्रमुख दो तत्व होते हैं, निबंध की पहला विषय वस्तु और दूसरा भाषा से। निबंध की शैली, निबंध रचना की प्रमुख शैलियां निम्नांकित है। पहला है व्यास शैली, इसे प्रशात शैली भी कहा जाता है। विषय का प्रतिपादन रोचक तथा सरल ढंग से होता है। वर्णनात्मक तथा कथात्मक निबंध इसी शैली में लिखे जाते हैं। दूसरा समास शैली, इसके अंतर्गत कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास किया जाता है। विचारात्मक निबंध लेखन इसी शैली में लिखा जाता है। तीसरा है विवेचनात्मक शैली, इसमें तर्क वितर्क, चिंतन और मनन होता है। कथन की पुष्टि हेतु प्रमाण, उदाहरण आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे निबंधों में क्लिष्टता का समावेश हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध इसी शैली के उदाहरण हैं। व्यंग्य शैली, इस शैली का मूल आधार सुधार तथा मनोरंजन होता है। आवेश शैली, यह भाव प्रधान शैली है, इसमें भावना के अनुरूप भाषा प्रयुक्त होती है। संताप संलाप प्रलाप शैली, इस शैली में कथोपकथन के माध्यम से विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। लेखक आवेगपूर्ण स्थिति में भावना को अभिव्यक्त करता है, इसे भाव प्रधान शैली भी कहा जाता है। आगमन और निगमन शैली, आगमन शैली में विचारों को विस्तार पूर्वक समझाकर किसी सिद्धांत को सारांश या सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निगमन शैली को सूत्र शैली भी कहते हैं, इसमें पहले विचार को सूत्र रूप में प्रकट करते हैं, फिर उनकी व्याख्या करते हैं। निबंध के प्रकार, निबंध को चार भागों में बांटा गया है, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। निबंधों का उद्भव और विकास, निबंध भी गद्य साहित्य की विविध भाषाओं की भांति आधुनिक रूप की ही देन है, जिसमें भारतेंदु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। निबंध के विकास क्रम को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावाद युग 1920 से 1940 तक और छायावादोत्तर युग 1940 से 1950। निबंध और कहानी में अंतर, निबंध और कहानी दोनों ही गद्य के विधाएं हैं, किंतु दोनों में अंतर है। निबंध और कहानी की भाषा शैली में अंतर होता है। निबंधों में सरसता के गुण का अभाव होता है, कहानी में सरसता का गुण विद्यमान रहता है। निबंध विषय प्रधान होते हैं और कहानी घटना और चरित्र प्रधान होती है। निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस सजीव और मर्यादित प्रकाशन है। कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटे होते हुए भी स्वतः पूर्ण रूप से सुगठित होती है। अब प्रमुख विधाओं में छठवी विधा है आलोचना। आलोचना का अर्थ है किसी भी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह से देखना, परखना और उसके गुणों का निर्णय करना। आलोचना को समालोचना भी कहते हैं। समीक्षा शब्द भी इस हेतु प्रयुक्त होता है। आलोचना एक विचारपूर्ण गद्य की विधा है, जब साहित्य या साहित्यकार का विवेचन इस प्रकार से किया जाए कि पाठक उस रचना के विविध पक्षों से परिचित हो।
की आलोचना लिखने वालों या आलोचना करने वाले मर्मज्ञ व्यक्ति को आलोचक, समालोचक और समीक्षक नाम दिया गया है। साहित्य आलोचना का मुख्य उद्देश्य किसी साहित्य की उपलब्धियों पर विचार, रचना के गुण और दोषों का विवेचन, कवियों या रचनाओं की अलग अलग विशेषताओं का वर्णन, रचना करना और उसका मूल्यांकन करना। आलोचना भी दो प्रकार की होती है, पहला निर्णयात्मक और दूसरा व्याख्यात्मक। पद्धति के आधार पर आलोचना के कई प्रकार हो सकते हैं, प्रभाववादी आलोचना, निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना आदि। भारतेंदु, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र के लेखों को आलोचना के रूप में देखा जा सकता है। द्विवेदी युगीन लेखकों ने आलोचना के क्षेत्र में कार्य किया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को सही रूप प्रदान किया है।